क्यों हो रहे हैं। और बप्पा रे मुझे देखा नया नया काज हुआ है मोरो ही मोरे या नारी। हाँ मम्मी जी क्या आइए आइए मैं ठीक। यह कहो कि तोर महतारी बाप इतना नहीं सिखाई ना है कि सास ससुर घर में तो कम से कम बोल तो बोल कहा दिलाती रोटियां मेरा से पकती रहे दादा यह मेरी रोटी हमने यहाँ नहीं खाए कोई नहीं कहा सीखे कर सब्जी का रोटी महतारी बाप कुछ नहीं सिखाने करता सब हमें जैसे खाने पड़ी हुई वैसे रोटी बनाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। हमारे घर में तो ऐसे ही रोटी बनती थी हर ना मेरे घर में तो ऐसे ही हर दम रोटी बनती थी ऐसे ही हम लोग सेवा करते थे मम्मी पापा दादी पापा पापा सब लोग खाते थे कोई कुछ नहीं बोलता था। यहाँ पे नए नए आए हैं तो टाइम तो लगेगा पर सीखने में क्या कर सकते हैं नरे सब्जी का रिया कट जा रही है क्यों रे मम्मी जी आप ही तो बोल रही थी लोहे कढ़ाई में बनाना होता है सब्जी इसलिए मैं लोहे कढ़ाई में इसमें आयरन डालता हूं इसलिए मैं इसीलिए मैं लोहे कढ़ाई में बनाई हूं सब्जी बनाया जाता है मैं कह रही ये फिनिक्स हो गया इसमें आयरन है काली सब्जी नहीं हुई मम्मी जी और लोहे कढ़ाई में बनाई इसलिए इसमें आयरन आ गया है। या आयरन का है भला तो हम ही करिया करिया सब्जी खवा दे गरिया उब कर ही नहीं मिगरा है दे अब तो बन गया रख दे वही के आओ अपनी खाद पर रख दे ठीक है मम्मी जी ठीक है निकाल दिए खाना कोई दिक्कत नहीं Chasing stars and holding you I can't see the end but we'll see it through यही मोटिव था कि जो जिस लड़की की भी न्यू न्यू शादी होती है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जैसे कि जो जो वो मायके में जैसे ही कंफर्टेबली रहती है वैसे ससुराल में नहीं रखा जाता उनको उनके लिए नियम कानून बना दिए जाते हैं कि तुम ऐसे पहनो ऐसे पर चलो ऐसे खाओ ऐसे बनाओ तो ये तो सही नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी भी तो जहाँ हमारा ससुराल है वहाँ भी तो किसी का मायका हो सकता है ना मायका होता है तो जो जैसे नियम आप अपनी बेटी अपने बेटों के लिए रखती हैं वैसे बहुओं के लिए क्यों नहीं वो भी तो किसी की बेटियां हैं उनको अगर आप अपनी बेटी समझे तो वो भी आपको माँ ही समझेगी ऐसा मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम वो न्यू आई है वो अभी दूसरे जगह से दूसरे कल्चर से आई है तो दूसरे कल्चर में दूसरे जगह पे आके ऐसा एकदम कंफर्टेबली नहीं होना होता मतलब टाइम लगता है उनको तो थोड़ा सा एडजस्ट उनको भी करें अपने हिसाब से उनको होने दे कंफर्टेबली रखें उनको बेटी समझ के रखें तो ज़्यादा जैसा आपकी बेटियों की मनपसंद चीज़ें आप अपनी बेटियों को दिलाते हैं उनकी भी कुछ ख्वाहिश होती हैं कुछ च्वाइस होती हैं कि हमको ये चाहिए यहाँ घूमना है तो वैसे बहुओं को क्यों नहीं महीनों सालों हो जाते हैं आप अपनी बहुओं को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं कि नज़र लग जाएगी ऐसा नहीं होता वो जब मायके में होती तो बहुत घूमती हैं तो वैसा ही ससुराल में क्यों नहीं आप उनको बेटी मानिए है ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो भी कंफर्टेबली और खुश रहेंगी अगर आप अपनी बेटी को 100% मानती हैं अगर बहू को 50% भी मान लें अच्छे से बेटी मान के तो आप बिल्कुल खुश रहेंगी और बहुत अच्छे से रहेंगी वो एडजस्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा क्योंकि वो दूसरे जगह से आई हूँ तो थोड़ा सा उनके साथ में कॉर्पोरेट करिए और समझिए उनको भी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा थैंक यू।